नंग खाली चुम्मा दे दियो। कटिहार में किस यानी चुम्मा कांड पर कोहराम मच गया है। चिकित्सा पदाधिकारी ने स्वास्थ्य कर्मी ANM से मांगा चुम्मा, ऑडियो वायरल पर मच गया बवाल। वहीं ANM स्वास्थ्य कर्मी पिछले कई दिनों से चिकित्सा पदाधिकारी पर अनैतिक व्यवहार करने का आरोप लगा रही है। समेली प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े इस मामले के बारे में स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से वह लगातार उसे अब सबके साथ अनैतिक बर्ताव कर रहे हैं। अब तो फोन पर ही उनसे चुम्मा मांगने लगे हैं। जबकि इस मामले पर सफाई देते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि वह अपने नातनी साथ खेलने के दौरान फोन पर यह शब्द कहा है। पूरा मामला महिला स्वास्थ्य कर्मी के स्थानांतरण से जुड़ा है, जिस कारण से उन पर इस तरह का गलत आरोप लगाया जा रहा है। अब पूरे मामले पर क्या सच है और क्या झूठ, या तो जांच के बाद ही साफ हो सकता है। मीटिंग कल आपको आना भी है, लेकिन जो हम आदेश देंगे वैसा ही काम कीजिएगा। गलत तो आप आदेश दीजिएगा तो सर, गलत आदेश हम नहीं कर पाएंगे। आप बोलिएगा उसका विरुद्ध, जैसे और कर्मचारी को बोले ना कि अंजना सिस्टर के नाम से लिखे हमको जबरदस्ती लेके गया, तो आप ये बात कहिएगा तो हम नहीं। हम कहिए गलती कर लो चंग आज तक बात तो कहिएगा तो हम नहीं कर पाएंगे। जो सही है राइट है सर, हम आपके साथ थे और साथ हैं और साथ रहेंगे। हम कानून का कभी उल्लंघन नहीं किए। कल मीटिंग रखी दे चुम्मा। हाँ ठीक 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 सर, अब आते हैं सर। हमरा लंग खाली चुम्मा दे दियो। लग रहा है सर ANM के द्वारा जो है, ANM को आपने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, इसको लेकर आप सर क्या कहेंगे। ANM से फोन पर बात हो रही थी मीटिंग को लेके सर, इसी बीच मेरी नतनी रो रही थी, मेरी बेटी उसको लाके गोद में दी, मैंने चुप कराने का प्रयास कर रहा था। उसी बीच मैंने अपनी नतनी को बोला चुम्मा दे दे बेटा, उसके बाद यही बोला है मैंने, और संयोग से वो रिकॉर्ड हो गया मोबाइल में, क्योंकि हम भूल गए थे स्विच ऑफ करने के लिए। और ये जो मेरे ऊपर आरोप लगा रही है, वो हमको फंसाने का आरोप लगा रही है, जबकि उसको मैंने ट्रांसफ़र किया था जनप्रतिनिधि और मुखिया के कहने पर डुमर के लिए, उसी आवेश में ये सब कर रही है। तो उनके द्वारा बताया गया कि कई महीनों से ये प्रताड़ित किया जा रहा है। जब से उनको डुमर भेजे हैं तब से वो ऐसा आरोप लगा रही है मेरे ऊपर और हमको बदनाम करने का प्रयास कर रही है। आपका परिचय? डॉक्टर विनय कुमार सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी समेली कटिहार। डॉक्टर विनय कुमार सिंह PSC समेली के जो हैं पोस्टेड प्रभारी, उनके द्वारा हमारे साथ जो आज अभद्र व्यवहार और मेरे इज्जत पर तोहिन, आज शोषण अत्याचार जो किया जा रहा है, उनके विरुद्ध हम आज इंसाफ मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं सरकार से। क्यों इस तरह से हम लोग के साथ में किया जा रहा है, है? ये तो आज 4 तारीख के दिन जो है कि हमने साथ में जो अभद्र व्यवहार किया गया, अकेले में बुला करके हमसे चुम्मा मांगा गया। कौन मांग रहा था? ये डॉक्टर विनय कुमार प्रभारी जो है सिंह, डॉक्टर विनय कुमार सिंह प्रभारी समेली PSC के, वो तो बोले कि हम मीटिंग रख रहे हैं, 4 आदमी का मीटिंग है, BHM बड़ा बाबू और एक सरस्वती ANM, एक आप रहिएगा एक हम रहेंगे, आप आइएगा और जो कहेंगे वही कीजिएगा। हाँ नहीं कहीं कीजिएगा तो हम DP कर देंगे, हाँ बर्बाद कर देंगे हमको इस तरह। ये डॉक्टर विनय कुमार प्रभारी बोल रहे थे, हाँ वो बुलाए हमको और उसके बाद बोलते हैं कि मीटिंग में आइएगा तो एक तो चुम्मा हमको दे दीजिएगा। हाँ ये डॉक्टर विनय कुमार प्रभारी हमारे से। आपके पास साक्ष्य क्या है कि उन्होंने ऐसा बात बोला? मेरे पास में उनका जो बातचीत कर रहे थे, हमसे फोन पर बात कर रहे थे, उनका रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। ये कब की घटना है? ये 4 तारीख का है, 4 फरवरी का। क्या पूर्व से भी आपको परेशान किया जा रहा है? पूर्व से ही परेशान किया गया। अब अवैध रूप से हमको जो है ये कि बिना शोषण जो है कि तगा करके
मेरे साथ जो अत्याचार जुर्म कर रहे हैं ये शुरू से उनका क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग यही करते हैं कि मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है और आने वाले जो इतने स्टाफ है उनके साथ ना कभी ऐसा अन्याय हो, ऐसे प्रभारी का जो विचार होना चाहिए, न्याय होना चाहिए उसके साथ किया जाए। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।